आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट में जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, आज मैं बता रही हूँ संपूर्ण साक्षरता अभियान या समग्र साक्षरता अभियान। संपूर्ण साक्षरता अभियान को आज देश में निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के विकल्प में रूप में देखा जाता है। इस तरह के अभियान सभ्यमध होते हैं, क्षेत्र विशेष के अनुरूप होते हैं और स्वयं सेवकों के द्वारा आधारित होते हैं। कहते हैं इस अभियान का तात्पर्य पूर्ण निर्धारित मानकों के आधार पर आंकिक क्षमता प्रौद्योगिक साक्षरता से होता है। इसका क्रियान्वित करने के लिए हमें विशेष या कई अवस्थाओं के अनुरूप लिया जाता है। नंबर एक पे आधार, नंबर दो पे संरचना निर्माण, नंबर तीन पे सर्वेक्षण, नंबर चार पे वातावरण का सृजन, नंबर पाँच पे कार्यदल, नंबर छः पे शिक्षण सामग्री, नंबर सात पे अधिगम प्रक्रिया, नंबर आठ पे मूल्यांकन। सबसे पहले हम करेंगे आधार। कहता है आधार में क्या आता है कि इस अभियान संपूर्ण साक्षरता अभियान में विभिन्न व्यक्तियों के विचार विमर्शों के द्वारा मंत्रालय के आधार पर होता है। इस विचार विमर्श में शिक्षक, छात्र, सामाजिक वर्ग, बुद्धिजीवी, राजनीतिक इत्यादि विभिन्न वर्गों को शामिल किया जाता है और इस पर विचार विमर्श करने के बाद आपसी सहमति के द्वारा अंतिम आधार जो है निर्धारित किया जाता है। नंबर दो पे संरचना निर्माण। संरचना निर्माण में क्या होता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान जो होता है जनपद पर गठित समितियों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये समितियाँ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। इनका संरक्षण जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या जिला पंचायत अध्यक्ष इसका जो होता है संरक्षण होते हैं। कहते हैं कार्यदल के आयोजन में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। नंबर तीन पे आता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में क्या है कि निरीक्षरों को चिन्हित करने के लिए जनपद अथवा पंचायत के द्वारा गहन सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के द्वारा शिक्षकों का भी पता लगाया जाता है ताकि शिक्षक जो है कार्य को शिक्षण कार्य के लिए जो है उनके द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सके। नंबर चार पे आता है वातावरण का सृजन। संपूर्ण साक्षरता अभियान में वातावरण का भी जो होता है वो भी विशेष काम करता है। इसमें संप्रेषण द्वारा गतिशीलता उत्पन्न की जाती है। वातावरण संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षरता के प्रति जनता की रुचि जो है उत्पन्न करता है। कहता है निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है वातावरण उनके प्रेरित करने के लिए उन्हें गतिशीलता प्रदान करने के लिए वातावरण बनाने के लिए कई प्रकार के माध्यम पर जो किए जाते हैं जैसे समूह गान, समूह रैली, नुक्कड़ सभा, पोस्टर लगाना, टोलियां बनाकर उनको प्रेरणादायक करना, भजन कीर्तन के द्वारा। कहते हैं ये काम के द्वारा हम कई माध्यम जो है प्रयोग करते हैं। नंबर पाँच पे आता है कार्यदल। कहता है संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए कार्यदल में प्रशिक्षित कार्यकर्ता होना चाहिए। कहता है जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है उसको मास्टर ट्रेनर कहा जाते हैं। मास्टर ट्रेनर जो होता है कार्यदल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो प्रशिक्षकों को शिक्षित करता है। एक मास्टर ट्रेनर जो है एक साथ 25 से 30 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकता है और मास्टर ट्रेनिंग के ऊपर एक रिसोर्स पर्सन होता है जो कि अपने अधीन 25 से 30 मास्टर ट्रेनों को प्रशिक्षित करता है। नंबर छः पे आता है शिक्षण सामग्री। कहता है राष्ट्रीय जो प्रौढ़ शिक्षा या शिक्षा एवं साक्षरता के लिए पुस्तकों की भी आवश्यकता या मुद्रित सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री परिस्थितियों के अनुरूप और समय के अनुकूल होनी चाहिए। कहता है शिक्षक निरक्षरों
नवनिरक्षरों साक्षरों इनके लिए विभिन्न प्रकार की जो है हमें शिक्षण सामग्री की उपयोगिता होती है। कहता है नंबर 7 पे आता है अधिगम प्रक्रिया, इसमें अंतर्गत कहता 3 सेट तैयार किए जाते हैं, इसमें कार्य पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, परिणाम मूल्यांकन, प्रमाण पत्र आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। कहता 6 से 8 माह की अवधि के अंतर्गत जो है प्रौढ़ों को तीनों पुस्तकों में 200 घंटे में वो अपनी पढ़ाई को पूर्ण करना होता है। नंबर 8 पे आता है मूल्यांकन, कहता है संपूर्ण साक्षरता अभियान का मूल्यांकन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों, शिक्षा निदेशालयों एवं राज्य संसाधनों केंद्रों के अधिकारी प्रतिवेदनों के द्वारा करते हैं। कहता है इसके का जो मुख्य अध्ययन होता है, कहता है इसके ऊपर जो ध्यान दिया जाता है परिणाम अनुमुख होता है, नाम के नामांकन अनुमुख को ध्यान दिया जाता है। ये नहीं इसमें देखा जाता है कि कितने लोगों ने इसमें दाखिला लिया, बल्कि ये देखा जाता है कि इसमें कितना हमारा इस अभियान में शिक्षण के लिए हमारे कितने लोग साक्षर हुए और हमारा कितना जो है इससे इसके लिए कितना हमारे ये मिशन जो था कितना उपयोगी बना। धन्यवाद।